अबाउट RDT एंड PCR प्रॉब्लम्स, RDT एंड PCR के प्रॉब्लम्स के ऊपर देखेंगे कि वॉट आर द वेरियस टाइप ऑफ RDT एंड PCR प्रॉब्लम्स। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम, गेट एक्सेल 2019 बायोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स है। देर इज अ एक्स डिफरेंट साइज ऑफ DNA फ्रेगमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड अपॉन इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ इको आर वन ऑफ आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल विद द टू इको आर वन साइट्स एज शोन बिलो। ठीक है, सो देर इज लाइक, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर हम जब हम बात करते हैं तो दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा कि एक्स डिफरेंट साइज फ्रैगमेंट क्या क्या मिलेंगे। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो एक्स डिफरेंट साइज DNA फ्रैगमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्या क्या हो सकता है, दिस इज 500 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, 500 इनकम्प्लीट डाइजेशन कर रहे हैं विद टू इक्वल आर वन साइट। तो दिस इज अ लीनियर साइट, कितना है आपके पास n और दो साइट्स है तो टोटल आपके पास फ्रैगमेंट कितने मिलने वाले हैं, एन प्लस वन, दैट शुड बी 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर DNA के लिए नंबर ऑफ फ्रैगमेंट शुड बी n प्लस, लाइक यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये है, ये आपका एक फ्रैगमेंट, एक आपका फ्रैगमेंट इधर मिलेगा, तो एक फ्रैगमेंट तो ये था। ठीक है, इसी तरीके से तीन फ्रैगमेंट्स मिलेंगे अगर हम बात करते हैं। सो वन फ्रैगमेंट इज हियर, ये दूसरा सेगमेंट इसका और तीसरा ये वाला। तो एक्स डिफरेंट साइज DNA फ्रेगमेंट कैन बी ऑब्जर्व अपॉन इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल विद द टू इको आर वन सर्वेट इको आर वन साइट्स एज सोन इज बिलो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लीनियर DNA के ऊपर बात करते हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि सर ये नॉर्मल केसेस में होता है, इसमें तो सारे के सारे सेम साइज के DNA फ्रेगमेंट मिलेंगे, ये बोल रहा है डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट। तो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट देखिए कि इनकम्प्लीट डाइजेशन कर रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट द इनकम्प्लीट डाइजेशन। मतलब इसको अगर मैं मान लूँ पहला साइट और इसको मान लूँ दूसरा साइट, देखिए कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ पहले साइट पे कट करेगा, जस्ट सपोज दिस इज अ DNA मॉलिक्यूल, इस पर ये यहाँ पे कट करे तो आपके पास एक मिलेगा 500, एक मिलेगा कितना, एक मिलेगा 1000। मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके पास 500 मिलेगा और मिलेगा 1000। पार्शियल डाइजेशन या इनकम्प्लीट डाइजेशन में हो सकता है कि पहले साइट पे कट हो, हो सकता है कि आपके दूसरे साइड पे कट हो, यहाँ पे जब दूसरे साइड पे कट होगा तो आपको फिर अगेन मिलेगा 1000 एंड देयर इज अ 500। आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा 1000 और अगेन मिलेगा 500। ये आपके दो फ्रैगमेंट मिलेंगे, एक 500 और एक 1000। अब सवाल ये उठता है कि केसेस में जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट्स में, या तो एक हो सकता है जब यहाँ पे कट एट वन साइट है, पहले साइट पे कट एट फर्स्ट, ये साइट करेगा कि कट एट सेकेंड। हो सकता है कि ये दोनों पे कट करे तो आपको 500 के तीन फ्रैगमेंट मिलेंगे, अगेन कोई नया फ्रैगमेंट नहीं मिला जब ये कट एट बोथ। लेकिन हो सकता है कि देयर इज नो कट, कोई भी कट ही ना हो, जब नो कट होगा तो दिस शुड बी लाइक 1.5 KB 1500। तो आपके पास एक और साइज का मिल जाएगा, ये तीन साइज के फ्रैगमेंट मिलेंगे 500, 1000 एंड 1500। तो जब भी लीनियर फ्रैगमेंट ऑफ DNA होते हैं, इसमें नंबर ऑफ, अगर अननोन फ्रैगमेंट या नंबर ऑफ डिफरेंट साइज फ्रैगमेंट बात करें तो उसके लिए एन प्लस वन फॉर्मूला यूज होता है अपॉन फॉर फ्रैगमेंट। जितना साइट है उससे एक ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उससे एक ज्यादा मिलेगा नॉर्मली अगर बात किया जाए लेबल्ड या डिफरेंट साइज ऑफ फ्रैगमेंट। जनरली क्या होता है, ये लेबल्ड भी अगर कभी कभी पूछा जाता है तो भी इतना मिलेगा, अगर आपके साथ डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट पूछा जाए तो भी आपके साथ ये जो है मिलेगा, और टू कंप्लीट डाइजेशन पे टोटल फ्रैगमेंट भी पूछा जाए, ठीक है, तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा एन प्लस वन। अगर आपसे बात कंप्लीट डाइजेशन पे कितना फ्रैगमेंट मिलेगा तो देखो टू करते तो तीन फ्रैगमेंट मिलता है यहाँ पे जब दोनों साइड पे कट करता, तो अगर ये लेबल्ड की बात करते हैं, जब हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे RDT पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि लेबल्ड अनलेबल्ड क्या है, क्या कैसी चीज़ें वहाँ पे लर्न किया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो है एक्सेल बायोकेमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है, दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरिड आउट फॉर 10 साइकल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 ml ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ टेम्पलेट DNA। एज्यूमिंग दैट एफिशियंसी ऑफ रिएक्शन इज 100%, द नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA प्रेजेंट इन द 100 μl एट द एंड ऑफ रिएक्शन। 100 μl में पूछ रहा है, 1 ml ये है, ठीक है। तो अगर 100 μl की बात करें तो 1 ml इज इक्वल टू 1000 μl, 1000 μl, 1000 μl में 5 मॉलिक्यूल DNA, उसी हिसाब से आपको डिस्कस करना।
सो साइकिल कितने चलने वाली है? साइकिल है 10 साइकिल्स। एन की वैल्यू इनिशियली कितनी है? 5 है। लेकिन ये जो आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने पूछा है 100 में, तो आपको पता है 1000 माइक्रोलीटर दैट इज इक्वल टू द 1 ml। इसमें कितने टेम्पलेट डीएनए है? 5 है। तो अगर मैं बोलूं 100 माइक्रोलीटर में कितने टेम्पलेट डीएनए हो जाएंगे, दैट इज 0.5। 1000 में अगर 5 है तो 100 में 0.5, 10 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू है एन नॉट की। नाउ पुट द एन नॉट 0.5 बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर 100 माइक्रोलीटर, ठीक है। सो पुट किया 2 to power n, n की वैल्यू है 10 साइकिल, इफिशियंसी 100% है, नो नीड टू वरी, सॉल्व करेंगे यू विल गेट द राइट आंसर दैट इज 512। 2 to power 10 इज नियरली अबाउट 10,000, ये जो होता है इट इज नियरली अबाउट 2 to power 10, देना ये वैल्यू होती है 1024, ये वैल्यू होती है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो दिस इज 512, 1/2 ही तो होता है 0.5, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PCR। इन ए PCR व्हेन वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ 600 बेस पेयर, हमें PCR में नंबर की जरूरत होती है बेस पेयर की नहीं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो होती है इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसकी नहीं, नो नीड ऑफ दिस, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, कितने बेस पेयर का है हमें उससे क्या लेना देना। सो नैनोग्राम ऑफ द डीएनए प्रोड्यूस्ड, अब इन्होंने क्या पूछा, इसमें पूछा है, आपको ध्यान देना, नैनोग्राम ऑफ द डीएनए प्रोड्यूस्ड आफ्टर 40 साइकिल्स ऑफ द एम्प्लीफिकेशन। अब 1 से नैनोग्राम में पूछ रहा है, नैनो का मतलब 10 to power 9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो भी आएगा। सो मोल, पहली बात तो ये 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये नैनोग्राम में पूछ रहा है, तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। नैनोग्राम, और नैनोग्राम में इन अ पीसीआर एक नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू द वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज़ आप जानते हैं अच्छे से कि कोई भी चीज़ मोल के ऊपर जब हम रिलेट करते हैं तो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूला है, हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाउ अब देखिएगा कि इन्होंने 1 डबल स्टैंडर्ड की बात करी है, इसमें वेट आपको चाहिए, वेट चाहिए 40 साइकिल्स, या ये सारी की सारी चीज़ें जो है 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे, 40 साइकिल्स में क्या होंगे क्या नहीं, सारी चीज़ें वो देखने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या है कि वेट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, नंबर कितना है, नंबर है 1 डबल स्टैंडर्ड है, नैनोग्राम प्रोड्यूस्ड आफ्टर 40 साइकिल्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन, 40 साइकिल्स को लेके जाएंगे इस पे, तो नंबर इसमें जब हम बात करेंगे वेट कितना होना चाहिए, तो दिस इज वेट इज इक्वल टू नंबर दैट इज 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जब हम बात करेंगे नंबर, ये 1 है, दैट आफ्टर दैट दिस इज लाइक द केसेस, इसमें एन फाइनल की वैल्यू, नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन नॉट इंटू 2 to power 40, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, इसमें एन 1 into 2 to power 40 रखेंगे, इसमें पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर केस में कि हाँ कितना जो वैल्यू आना चाहिए 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केसेस में। तो फाइनल नंबर इन अ पीसीआर रिएक्शन 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए 6 बेस पेयर नैनोग्राम ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड आफ्टर 40 साइकिल ऑफ एम्प्लीफिकेशन, तो एक डबल स्टैंडर्ड से कई सारे नंबर बन रहे होंगे तो उन नंबर के ऊपर हम बात करते हैं, दिस वुड बी द नंबर, यहाँ पे जो है 1 into 2 to power 40 दैट शुड बी नंबर, एवोगैड्रो नंबर इज 6 into 10 to power 3 दिट इज एवोगैड्रो नंबर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ 1 पर्टिकुलरली डाल्टन। यहाँ पे देखिए अब इसकी जो है ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए। अगर इसमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा होता तो ज़रूरत नहीं थी इसमें मॉलिकुलर वेट की, ठीक है। तो दिस इज फॉर मॉलिकुलर वेट कैलकुलेशन, तो 650 फॉर 1 बेस पेयर एंड 600 करेंगे फॉर 600 बेस पेयर। एज यू नो दैट 650 डाल्टन जो होता था, 650 डाल्टन फॉर 1 बेस पेयर, तो 600 बेस पेयर के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज 650 into 600, दिस इज अ मॉलिकुलर वेट। तो आपने ये किया, व्हेन यू सॉल्व इट, इस चीज को सॉल्व करेंगे यू विल नियरली गेट 723। आप जो है सॉल्व करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 723 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज 1 into, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है नंबर के केस में, दैट इज 2 to power 40, 2 to power 40 रखेंगे क्योंकि आप आफ्टर एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन जहां पे पूछा जा रहा है एक्सेल बायोकेमिस्ट्री 2016, 3 माइक्रोग्राम ऑफ सर्कुलर प्लाज्मिड,
3 माइक्रोग्राम ऑफ सर्कुलर प्लाज्मिड, यह 3 माइक्रोग्राम ऑफ सर्कुलर प्लाज्मिड 4200 बेस पेयर वॉज डाइजेस्टेड विथ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सब्जेक्टेड टू एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. 5 DNA फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज वेयर ऑब्जर्व्ड. इसमें डिफाज अलग अलग तरीके के ऑब्जर्व किए गए. देयर साइज समड अप टू द 4200. द नंबर ऑफ पीको मोल्स ऑफ DNA एंड्स जनरेटेड आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन विद एंजाइम. नंबर ऑफ डीएनए लाइक पीको मोल्स के ऊपर जब बात की जा रही है, सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये 3 माइक्रोग्राम आपका प्लाज्मिड था सर्कुलर, इसको डाइजेस्ट किया गया, 5 फ्रैगमेंट मिले. नंबर ऑफ पीको मोल्स जनरेटेड आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन, एवरेज मॉलिकुलर वेट ईच बेस पेयर का 660 डाल्टन जो है दिया हुआ है. हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो ध्यान दीजिएगा. अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट मोल इज इक्वल टू, एज यू नो दैट मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. नाउ दिस इज लाइक मोल के केस पे बात की जा रही है. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट के फॉर्मूले को भी लेके जाया जा सकता है कि कितना है 3 माइक्रोग्राम में वेट, मोलिकुलर वेट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये क्या दिया हुआ 3 माइक्रोग्राम, दैट इज द वेट, और इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे मोलिकुलर वेट, तो आपका आ गया. ठीक है, सो नाउ इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो वेट दे हैव गिवन 3 माइक्रोग्राम. इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 3 × 10⁻⁶ ग्राम. ठीक है, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 4200 × 660 डाल्टन. दिस इज अ मोलिकुलर वेट. ये वेट अपॉन मोलिकुलर वेट में रखा, लेकिन ये अभी जब हम रखेंगे तो ये है मोल, दिस इज द मोल. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, मोल, पीको मोल, नैनो मोल, यहाँ पे एक केस आ जाता है. यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ फटाक से, चीज़ों को ध्यान रखना जब भी कोई चीज़ पूछी जा रही है तो कैसे सॉल्व करना है. एक तो पंगा जो आपको अच्छे से पता होगा, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, तो मोल कैन बी कैलकुलेटेड एज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, दैट कैन बी इक्वल टू द नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट कैन बी इक्वल टू द वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4. एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला होता है या वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻². ठीक है, ये होता है मोल. व्हेन यू टॉक अबाउट मिली मोल, अगर मिली मोल कैलकुलेट करना हो तो मैं सिर्फ वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से चल रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया, 10⁻³. व्हेन यू गो फॉर माइक्रो मोल, यही वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 10⁻⁶. व्हेन यू टॉक अबाउट नैनो मोल, दिस इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 10⁻⁹. व्हेन यू गो फॉर पीको मोल, देन दिस इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 10⁻½. दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू गो, जस्ट मिली में उतने हिसाब से मल्टीप्लाई करते चले जाओ. सो दैट ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक एक्चुअल कन्वेंशन है. मिली के लिए देखो 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या है कन्वेंशन, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या किस लिए, बिकॉज दिस इज द केस जब इस चीज़ में हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन 10⁻³, और यही कन्वेंशन हो जाएगा, यही है मिली. यहाँ पे 10⁻⁶ था तो 10⁻⁶ हो जाएगा, यही हो जाएगा माइक्रो. ठीक है, तो ये चीज़ जो है इन्वॉल्व हो जाता है और इस तरीके से हम कंक्लूड कर लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना. तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे जब पीको मोल में था तो 10⁻½ का मल्टीप्लिकेशन हो गया. सॉल्व करते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये वैल्यू था, ये मॉलिकुलर वेट था, अब 10⁻½ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 पीको मोल शुड बी द राइट आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर. नाउ अगेन ए क्वेश्चन, जीनोमिक DNA इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम. Genomic DNA that is isolated from a bacterium was digested with a restriction enzyme that recognizes the 6 base pair sequences. Recognize करता है 6 base pair sequences को, 6 base pair sequences, and assuming the random distribution of bases, the average length of base pair of the fragment generated is. Genomic DNA restriction जो है 6 base pair है, तो number of base pair available जो है वो है आपके 4. 4 अवेलेबल होते हैं ATGC, तो 6 base pair के लिए ये हो जाएगा. देखिए कि अगर आपके पास ये है पहला बेस पेयर, पहला बेस फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पहले के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? फोर। दूसरे के लिए फोर, तीसरे के लिए फोर, चौथे के लिए फोर, पांचवें के लिए फोर और छठवें के लिए फोर। सबके लिए इन चारों में से आ सकता है, तो दिस शुड बी 4 to power 6, दैट इज इक्वल टू द 4096। सो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे। नाउ वंस अगेन अ गुड क्वेश्चन। प्लाज्मिड डीएनए 0.5 माइक्रोग्राम कंटेनिंग एन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर। प्लाज्मिड डीएनए 0.5 माइक्रोग्राम कंटेनिंग एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर वॉज एडेड टू द 200 माइक्रोलीटर ऑफ कॉम्पिटेंट सेल। 200 माइक्रोलीटर के पास ये किया। द ट्रांसफॉर्म्ड कॉम्पिटेंट सेल वेर डायल्यूटेड 10,000 टाइम्स आउट ऑफ विच 50 माइक्रोलीटर। ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा रहता है 200 माइक्रोलीटर एंड 50 माइक्रोलीटर वॉज प्लेटेड ऑन अगार प्लेट, अ टोटल 35 कॉलोनीज वॉज ऑब्टेन्ड, द ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी इज। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस तरीके से जो होते हैं आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी के प्रॉब्लम्स। ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी। तो व्हेन यू सी दैट, अगर ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी के ऊपर बात कर रहे हैं तो हाउ यू कैलकुलेट। पहली बात तो देखिए क्या दिया है, प्लाज्मिड डीएनए है, कितने सैंपल में ऐड किया। क्या बोल रहे हैं कि प्लाज्मिड डीएनए कंटेनिंग एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वॉज एडेड टू दिस कॉम्पिटेंट सेल 200। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक इस तरीके से होगा, ठीक है, क्या करेंगे कि इसमें हम प्लाज्मिड डीएनए को 0.5 ग्राम माइक्रोग्राम है नॉट ग्राम, 0.5 माइक्रोग्राम को हमने क्या किया 200 माइक्रोलीटर कॉम्पिटेंट सेल में यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या किया हमने, डाइल्यूट किया। कितनी बार इसको हमने डाइल्यूट किया इस चीज़ को, 10^4 टाइम्स। डाइल्यूट करने के बाद देन वी हैव प्लेटेड इट ऑन द अगार वन एंड आफ्टर दैट प्लेटिंग वी हैव फाउंड 35 कॉलोनीज। कितना ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी है, हाउ कैन यू कैलकुलेट। देयर इज अ फॉर्मूला एंड यू नीड टू नो दैट फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशियंसी का फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है। द ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ डीएनए, वेट ऑफ डीएनए इन टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना था सेल का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लेटेड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है कितना प्लेट किया गया, वॉल्यूम प्लेटेड इनटू द डाइल्यूशन फैक्टर। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मल्टीपल क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलोनीज कितना हुआ, वेट ऑफ डीएनए कितना आपने, वेट ऑफ डीएनए और प्लाज्मिड कितना आपने पुट किया था, कितना सैंपल टोटल जो था कॉम्पिटेंट सेल का था, कॉम्पिटेंट सेल के कितने में आपने किसको किया एंड इसके बाद कितना प्लेट किया था, डाइल्यूशन फैक्टर क्या है। सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज यू नो दैट लेट मी टेल यू, लाइक देयर इज अ प्लाज्मिड, इसके हमने 0.5 माइक्रोग्राम को लिया था, वी हैव प्लेटेड इट लाइक वी हैव लाइक गिवन दिस पर्टिकुलर पार्ट, हमने किस इसमें 200 माइक्रोलीटर के कॉम्पिटेंट सेल में किया, वी हैव डाइल्यूटेड इट इनटू 10^4 टाइम्स एंड इसके हमने प्लेट किया था 50 माइक्रोलीटर, कितना 50 माइक्रोलीटर प्लेट किया था एंड वी फाउंड दैट 35 कॉलोनीज। हमें यहाँ पे कितनी कॉलोनीज मिली थी, 35। सो दिस इज द केस, यू नो दैट नाउ। तो आंसर रखिए, देखिए यहाँ पे कॉलोनीज कितनी मिली, 35 इस पर्टिकुलर केस में रखेंगे, 35। वेट कितना था, 0.5 माइक्रोग्राम, हमेशा यूनिट के साथ रखिए तो आपको सारे चीजें हमेशा समझ में आएंगे, माइक्रोग्राम में रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट डिवाइडेड बाई माइक्रोग्राम।
ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है डिवाइडेड बाय माइक्रोग्राम, तो ये चीज होगी हमेशा। इस वॉल्यूम और वॉल्यूम प्लेटेड का यूनिट सेम रहेगा, अगर एक माइक्रोलीटर में तो दूसरा भी माइक्रोलीटर में होगा, अगर एक ml में तो दूसरा भी ml में होगा, ये यूनिट सेम होगी। डाइल्यूशन फैक्टर आपको पता है, तो ये चीज कुछ करना नहीं है, इसको माइक्रोग्राम में रखना होता है। ये वेट ऑफ डीएनए इन द माइक्रोग्राम, दिस शुड बी इन लाइक जिस भी यूनिट में रख रहे हैं, मान लो माइक्रोलीटर में, तो ये भी माइक्रोलीटर में होगा। डाइल्यूशन फैक्टर का कोई यूनिट होती नहीं है। 35 डिवाइडेड बाय दिस वन इन टू दिस इज टोटल वॉल्यूम दैट इज 200 माइक्रोलीटर डिवाइडेड बाय 50 माइक्रोलीटर इज प्लेटेड एंड व्हाट शुड बी द डाइल्यूशन फैक्टर 10^4। व्हेन यू सॉल्व इट माइक्रोलीटर कैंसिल आउट, 50 से करेंगे दिस इज 4 एंड इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 2.8 × 10^6 CFU पर माइक्रोग्राम। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी, यही जो है ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी। कई सारे क्वेश्चन जो हैं इस पर आते रहते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इट, जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, व्हेन यू सी हियर देखिएगा यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये क्या है कि द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए वेज 1.1 × इतना, कितना है सिंगल बेस पेयर है, इतना वेट है। हाउ मेनी पीको मोल्स ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर ऑफ लेंथ 2750 बेस पेयर आर कंटेंट इन 1 माइक्रोग्राम ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए। क्या बोल रहा है कि एक सिंगल बेस पेयर जिसका वेट 1 × 10^-21 ग्राम है, हाउ मेनी पीको मोल्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर विद दिस वन, जो कि यहां पे पाया जा रहा है, इन 1 माइक्रोग्राम ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए आर कंटेंट इन 1 माइक्रोग्राम ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सिंगल बेस पेयर एज यू नो दैट 660 ग्राम पर मोल पर बेस पेयर। जब ये होता है 660 ग्राम पर मोल पर बेस पेयर, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। हम 660 बस लर्न कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी यूनिट ये होती है, ठीक है, 660 ग्राम पर मोल पर बेस पेयर। तो यानी कि जब इस हिसाब से सॉल्व करोगे 660 ग्राम, या नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, ये चीज़ चल रही होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेट जो डीएनए वे का दिया हुआ है 1.1 × 10^-20 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई बेस पेयर। इस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाले कॉन्सेप्ट से एवोगैड्रो नंबर को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन बेस पेयर एज यू नो दैट 660 ग्राम पर मोल, तो इतने 2750 का क्या हो जाएगा, 2750 × 660 दैट इज 1.8 × 10^6 ग्राम पर मोल। अब इतना ग्राम पर मोल है, एज यू नो दैट पीको मोल करना है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट × 10^12 बिकॉज इट इज अ पीको मोल। वेट कितना दिया हुआ है, जब आप इसको बात करते हैं तो नाउ देखने की कोशिश करिएगा कि अगेन इसमें वेट की बात की जा रही है। हाउ मेनी पीको मोल ऑफ वेक्टर लेंथ इज इतना आर कंटेन इन 1 माइक्रोग्राम ऑफ प्योरिफाइड डीएनए। तो जब इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं तो देखिए, इट शुड बी इक्वल टू द 1 × अगर हम इस केस में इन्वॉल्व हो, ये है मॉलिकुलर वेट, और इस चीज को जब रिलेट करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 × 10^12 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट 1.8 × 10^6, ठीक है। इस तरीके से इस इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब नॉर्मली यहाँ पे सॉल्व किया आपने तो ये कितने पीको मोल के बराबर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल थिंग कि जब इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पे जो है ये इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज द वेट, इतने ग्राम दिया हुआ है। अगर इतना कॉम्प्लेक्स ना करने की बजाय अगर इसको सिंपल अगर कैलकुलेट करो तो वेट दिया हुआ है कितना, 1.1 × 10^-21। इसको करोगे 10^12 से मल्टीप्लाई पीको मोल के लिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 1.185 × 10^6, ठीक है। ये सॉल्व करोगे, इसको ऊपर भेजोगे तो 12, 6, 18, 3 और ऑलमोस्ट जो है ये करीब करीब 0.55 के आसपास जो है पीको मोल पे आ जाएगा। यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे, आराम से सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है आपका इस तरीके से कुछ मिलता हुआ नजर आ जाएगा। पीको मोल के केसेस में मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल ऑलमोस्ट 10^-31 लगभग 0. something जो है इस तरीके से केस इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द केस लाइक नॉर्मली जो है कि ये आप धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो 1 माइक्रोग्राम, जब हम बात करते हैं कि 1 माइक्रोग्राम प्योरीफाइड डीएनए के ऊपर, यहाँ पे जो है कंटेन इन 1 माइक्रोग्राम प्योरीफाइड डीएनए, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 माइक्रोग्राम के ऊपर क्या बात की जा रही है,
जैसे कि कई सारे सिंगल बेस पेयर्स है, सिंगल बेस पेयर है, डीएनए को हमने रखा था, इतना वेट था, उसका पीको मोल कैलकुलेट करना है, बेस पेयर इतना है, एक माइक्रोग्राम प्योरीफाइड डीएनए में कितना आ जाएगा, हाउ मेनी पीको मोल्स, 1 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक्चुअल में ये जो केस चल रहा है कि वन इतना ग्राम है डीएनए सिंगल बेस पेयर का, इतना ले चल के चल रहा है, इतने बेस पेयर का कितना होगा 1 माइक्रोग्राम प्योरीफाइड डीएनए में, ठीक है। तो आप या तो ये वाला चीज़ लेके जा सकते हो या तो इस वाले पर्टिकुलर चीज़ से सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं दोबारा फिर से सॉल्व करा रहा हूँ सो दैट लाइक यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लेक्स वन। देखिएगा बहुत सीधी सी बात है, मॉलिकुलर वेट और 660 या जो भी आप सॉल्व करना चाहे वो लेके जा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। इन्होंने क्या बोला कि एक जो है बेस पेयर वो कर रहा है 1.1 × 10⁻²⁰ ग्राम, ठीक है। और दूसरा अगर 2750 कितना करेगा, दैट इज 2750 × 1.1 × 10⁻²⁰ ग्राम। ये हो गया इसका मॉलिकुलर वेट। वेट कितना है, दैट इज 1 माइक्रोग्राम, 1 × 10⁻⁶, दिस इज द वेट हियर। ये जो है आपका 1 माइक्रोग्राम है। तो इस तरीके से वेट हो गया वेट अपॉन दिस वन, ये जो है सॉल्व करना है आपको वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट के ऊपर जब हम बात करेंगे। तो ये ग्राम है इस तरीके से चल रहा है। अब इस चीज़ में एवोगाड्रो नंबर का यूज़ होगा क्योंकि पर बेस पेयर आप इसको लेके जाएंगे तो यू हैव टू सॉल्व इट हियर लाइक इतना ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। सिर्फ डायरेक्ट अगर ये यूज़ करेंगे तो वैल्यू विल बी वेरी वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा और बहुत माइन्यूट हो जाएगा। तो यू हैव टू यूज़ द एवोगाड्रो नंबर हियर। आपको एक एवोगाड्रो नंबर के साथ काम करना पड़ेगा, या तो आप ग्राम पर मोल पे जाओ, इतने ग्राम पर मोल ले लो, कोई भी वैल्यू यूज़ करोगे देयर इज नथिंग डिफरेंट। या तो आप इसको यूज़ करो या 660 को यूज़ करो, बात एक ही होती है, ठीक है, बात एक ही होती है। अगर आप इसको रखोगे इसको यूज़ करोगे तो इट्स अ वेरी सिंपल, वही चीज़ है कि इतना माइक्रोग्राम को लेके 1 माइक्रोग्राम लिया, सॉल्व किया और उस तरीके से पीको मोल में कर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेद में, एजुकेटिंग इंडिया।